स्वागत है मेरी इस ब्लॉग में। तो आज है न्यू बेबी का नहवावन। हाँ, नहवावन है आज। तो बहू रानी नहा ली है, नहा के धूप में बैठी है। अभी बच्चा का होगा नहवावन, वो छोटा मोटा ये हो क्या बोला जाता है, नियम वगैरह होता है, तो वो सब दिखाएंगे। और शाम को है छठी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। शाम का छठी भी इसी ब्लॉग में आएगा। तो चलिए देखिए, सासू माँ लोग सब इकट्ठा हुई है। ये रही सासू माँ। हाँ, और एकदम दादी माँ बिजी है, और ये किधर बैठी है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। बाबू को अभी सोई लिपेगी और डिमांड करेगी अपने भैया और भाभी से, देखते हैं क्या डिमांड करती है। धूप में आ भी नहीं रहा, देखो ना। पहले बोलना चाहिए ना। ए जी यहाँ पे है ये दीदी जी, एक भी जोड़ा है ना। भिगाए दीदी के पानी ले लो उसमें। कौन उसमें फेंका जा। और यहाँ पे देखिए बुआ लिप रही है सोइर। बुआ सोइर लिप रही है। अरे तुम पहले लिपने लगी, पहले डिमांड करना चाहिए, उसके बाद लिपना शुरू करना चाहिए। अरे बुरबक, पहले जाओ भाभी से बोलो भाभी क्या दीजिएगा, तब हम सोइर लिपेंगे। जाओ बुरबक कहीं का। इसको देखिए, पहले पूछ लेगी तुम। बाबू तुम इसको ले क्यों नहीं जा रहे है थोड़ा देर के लिए? चढ़ जा रही है इस बेबी, इधर साफ सुथरा हो रहा है। देखिए तो बैठी हुई इसमें सोइल लिपाई का गाना बजा दीजिए। इसमें हाँ, इसमें सोइल लिपाई का गाना क्या बजता है? क्या करे जे सोई लिप के बैठी है, अभी देगा लोग कुछ है तब जाना। हाँ चिट्टू भैया को बुलाओ। अरे तो लिए होता तो क्या, 100 रुपया क्या चाहिए बोल दीजिए। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? फुटवेयर चाहिए, घड़ी चाहिए, इधर उधर चाहिए, इधर उधर देखेंगे तो दे देंगे। कम दाम का चीज मत लेना। पैसा चाहिए कम, नहीं कम दाम का चीज नहीं लेना। घड़ी चाहिए, बेटा हुआ है तो सोना चांदी दिया जाए तो फूट गया। घर घड़ी नहीं महंगा मिलता है, इसलिए बता रहे हैं। 100 रुपया दे दे, उठ जा बाद में। हाँ हाँ प्लीज प्लीज।
अभी का कर दीजिए तो कुछ बाद में। 50,000 के नीचे का सामान ले लू तो तार कुछ जमता रहा की देख लिया। 50,000 के नीचे के ऊपर का सामान ली है। अब इसके साथ क्या करना है वो बताइए। इसको बसवारी में जाओ रख क्या ऊपर लटका के आधा घंटे हो गया। चलो चलो हो गया। ए, अब वो जाके बैठ गई है। मैं माई पगड़ी पैसा नहीं देखी लेकिन मांगती है पैसा। छप्पा छप्पा करेंगे इसका क्या करना है वो भी आगे चलेगा ना। हाँ दी पहले अजूरिया दिया जाए। तो दी ना अजूरिया दी। खड़ा होके बजे मानी बच्चा के लिए चूड़ियों तक बदल दे दीदी आज बढ़िया के हाथवा सटावा हिंगान सटा के रखो। छिपे में गिरा दी है ना ये अजूरी भरा रहे है उसके बाद बच्चा दिया जाएगा गोद में। देखा गाय के खाए वाला चाउर हटे वो दिया बलाव कर दिया। गोद भरा जाता है बाबू के ले लेते तब ना गिरा लेते अच्छा लेकर और लो अच्छा दरा लो अच्छे से रहने दे उसको रह वैसे ही लोका दिए अच्छा से पकड़ लेगी पकड़ लेगी ऊपर से फेंकेगी। ए हवा हवा शुरू नहीं दिया बड़की दीदी के ना बोले ले रही हो एक मिनट रुकिए रुकिए ना वीडियो बनाने देती किसी। हाँ अब कर दिए हैं। हाँ हम कर दिए हैं उसको फोड़ना है उठी फोड़ेगी ना पता पता इधर आके लो ना इधर आके इधर से लो इधर जाओ तुम अंदर में जाओ जोर से माला फोड़ दो चले जाओ रुको तुम्हें मोड़ा पे बैठो तब छापा
तो ये नाहवावन का ब्लॉग था, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था इसीलिए मैंने ये ब्लॉग को यहीं तक रहने दिया। और छठियार शाम का छठियार का ब्लॉग फिर दूसरा पार्ट मैं कर दी हूँ, तो वो इसके बाद आएगा। तो नाहवावन में आप लोग ने देखा ही हम लोग यहाँ कैसे नियम होता है, सुअर लिपाई होता है, बच्चे को नहलाया जाता है, फिर गोद भरा जाता है, बच्चे को लुकाया जाता है, फिर वो अवाइन जवाइन अरुच मैंने हम लोग ये करते हैं, नज़र उतारते हैं। तो यही सब हुआ और सुअर लिपाई पूछी को क्या मिला है ये बाद में मैं बताऊँगी, अभी कुछ मिला नहीं है, जब मिल जाएगा तो ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगी। और ये तो बहन का नेग होता है तो ब्यूटी तो यहाँ है नहीं, तो इसीलिए ये पूछी यह नियम की है। और श्री के समय में भी पूछी की थी और इसके समय में भी पूछी की है। और शाम को फिर काजल सिकाई है, तो काजल सिकाई में भी सबको नेक मिलेगा। तो ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ अच्छा ही लगा होगा। तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो अभी तक नहीं किए हो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग अभी आने वाले हैं और बहुत काम के ब्लॉग मैंने यूज़फुल ब्लॉग आने वाले हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं छठी के ब्लॉग में, और बहुत इन्जॉय होगा उस ब्लॉग में भी। तब तक के लिए बाय बाय।